अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू आई एम डॉक्टर रंजीता एंड यू ऑल आर वेलकम टू स्टडी आई आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास सिक्स हिस्ट्री एन सी आर टी के चैप्टर नंबर टेन के बारे में तो इस चैप्टर का टाइटल है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स सो लेट स्टार्ट अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ई मेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है यू कैन फॉलो मी एंड यू कैन मैसेज मी फॉर क्विक रिप्लाइज एंड दिस इज़ माई इंस्टाग्राम लिंक दिस इज़ माई टेलीग्राम लिंक आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं टू डाउनलोड द पी डी एफ ऑफ ऑल माई लेक्चर्स आप मेरे को मेरी पी डी एफ मिल जाएंगी जिसको आप रिविजन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मेरी और लेक्चर सीरीज़ देखना जैसा कि साइंस एन सी आर टी सीरीज़ है और एम सी क्यू सीरीज़ है तो उस सबके लिंक भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे इस चैप्टर इस क्लास में जैसा कि मैंने आपको बताया क्लासिक सेंसीआर जो है वो एंशियन हिस्ट्री के बारे में बात करती है तो ये अभी तक की क्रोनोलॉजी है जो हमने अभी तक पढ़ी है हम जो है एनशियट हिस्ट्री में स्टोन एज पढ़ते हैं जिसमें हम पेलियोलिथिक मीजोलिथिक न्योलिथिक के बारे में बात करते हैं पेलियोलिथिक पाँच लाख साल से दस हज़ार बी तक होती है दस हज़ार बी से लेके आठ हज़ार बी तक मिर्ज़ोलिथिक होती है और आठ हज़ार बी से, से थर्टी फाइव हंड्रेड तक होती है न्योलिथिक फिर आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन 3500 फाइव से लेके 1700 सौ तक फिर आती है आर्यन का इन्वेजन होता है 1700 सौ से लेके हज़ार बी तक अर्ली वैदिक एज है हज़ार बीसी से लेके 600 सौ बीसी तक लेटर वैदिक एज है फिर बात होती है महाजनपद जिस की जिसमें कि हम पढ़ते हैं एंड जैनिज़म के बारे में फिर तीन सौ के आसपास हम मॉरन एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं मॉरन एम्पायर जो लास्ट करता है हंड्रेड बी से लेके ए तक के टाइम पीरियड तक जो है मैम मॉलेटर मॉरन जो है रहते हैं फिर पोस्ट मॉडर्न एम्पायर में हमने बात किया था शुंगा डायनेस्टी की कुशाना डायनेस्टी की और सतवाना डायनेस्टी की तब तक जो है हम लोग डाउन साउथ में हमने साउथ संगम संगम एज की बात की हमने पा चेराज चोलाज और पांड्याज के बारे में पढ़ा संगम लिटरेचर के बारे में हमने बात किया उसके बाद शुरुआत होती है गुप्ता पीरियड की जिसको हम पढ़ते हैं टू फिफ्टी से लेके थ्री फिफ फाइव फिफ्टी ए डी तक की बारे में बात करते हैं जो 300 सौ पीरियड का टाइम पीरियड है तो इस चैप्टर में हम लोग गुप्ता एज की बात कर रहे हैं ये मैंने आपको ब्रीफ क्रोनोलॉजी फटाफट से आपको बता दी थी ये आपकी डिटेल क्रोनोलॉजी है जिसको आप पढ़ सकते हैं इंडस वैली वैदिक पीरियड अर्ली वैदिक लेटर वैदिक महाजनपद बुद्धिज्म जैनिज्म मॉरियन पीरियड पोस्ट मॉरियन पोस्ट मॉरियन के बाद होती है संगम एज चल रही है साइड साइड में गुप्ता पीरियड और फिर पोस्ट गुप्ताज के बारे में हम लोग बात करेंगे सो so, मैंने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था कि जो गुप्ताज थे गुप्ताज जो थे फ्यूडेटरीज थे किसके कुशानाज के, के। फ्यूडेटरीज क्या होते हैं मैंने आपको बताया था जो कि उनके लैंड को देखभाल करते हैं तो वो फ्यूडेटरीज थे जो फ्यूडेट्रीज जो थे कुशाना के फ्यूडेट्रीज जो थे वो गुप्ताज थे तो जब सुशाना रूल जो कमजोर पड़ गया था तो उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था तो हमने बात किया था किस तरीके से जो है प्रशस्ति हमको मिले थे इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया था ये तीन जो थे वो इंपॉर्टेंट सेंटर थे इलाहाबाद उज्जैन उज्जयनानंद पटना जो कि गुप्ता पीरियड के इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं इसके बारे में हमने बात किया था इनके बारे में जानने को हमको मिलता है प्रशस्तीस के थ्रू तो हमने बताया मैंने आपको बताया था वो इंस्क्रिप्शन होती हैं जो कि प्रशंसा में लिखी जाती हैं इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन को हमने डिटेल में डिस्कस किया था जिसमें हमने चार तरीके के रूलर्स के बारे में बात किया था जो इस मैप पे दिए गए हैं लास्ट चैप्टर में काफी डिस्कशन हुई है डिटेल में गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत जो की थी वो श्री गुप्ता ने की थी घटोत्कच उसके बाद सेकंड राजा थे चंद्रगुप्त वन थे वो उनके मेन फाउंडर माने जाते हैं गुप्ता डायनेस्टी के चंद्रगुप्त वन के बेटे थे समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त के बेटे थे चंद्रगुप्त टू जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं जो समुद्रगुप्त हैं उनके पोएट है हरिसेना जिन्होंने इलाहाबाद वाला इंस्क्रिप्शन लिखा था चंद्रगुप्त टू जो कि विक्रमादित्य हैं उनके टाइम पर आए थे फाहियान फाहियान जो है उन्होंने अपनी बुक लिखी तो जिसके बाद हमको जानने को मिलता है कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त जो थे उसके बाद जो है ये गुप्ता डायनेस्टी खत्म हो जाती है गुप्ता डायनेस्टी के बाद पोस्ट गुप्ता पीरियड में आते हैं वर्धान डायनेस्टी जिसको पुष्यपति डायनेस्टी भी कहते हैं जिसका प्रभाकर वर्धान जो है फर्स्ट फाउंडर थे और उसके बेटे थे हर्षवर्धन तो हर्षवर्धन जो है हर्षवर्धन के पोएट थे बाण भट्ट जिन्होंने उसके बारे में हर्षचरित लिखती है लिखी है हर्षवर्धन ने कोशिश की थी दक्षिण में भी जाने की तो लेकिन चालू क्या के, के द्वारा उनको रोक लिया गया था हर्षवर्धन के टाइम में आते हैं हुए सांग जिन्होंने अपनी चाइनीज ट्रैवल है बुद्धिस्ट मॉन्ग है फिर अगेन उन्होंने भी अपनी किताब लिखी जिससे कि हमको जानने के हमको इस गुप्ता और वर्धन डायनेस्टी के बारे में जानने को मिलता है तो अब तक के चैप्टर के पार्ट वन में हमने ये सारी चीजों को पढ़ा था यही सारी बातों को डिटेल में आप जाके पहले वाले चैप्टर में पढ़ सकते हैं तो अब हम बात करने जा रहे हैं सदन कंटेम्प्ररी किंगडम्स इस टाइम पे क्या हो रहा है हमने कौन सी बात की हमने बात किया है अब तक 240 या 250 से लेके 550 एडी की हम लोग बात कर रहे हैं दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ गुप्ता किंगडम और फिर 550 से की एडी से लेके 650 एडी तक जो है कौन रहता है सिक्स फिफ्टी तक रहता है पोस्ट गुप्ता पीरियड में पुष्यवती डायनेस्टी वर्धन डायनेस्टी तो उसी टाइम पर ये जो पूरा टाइम पीरियड है इसी टाइम पर सदन कंटेम्प्ररी किंगडम्स के बारे में हम लोग बात करेंगे जिस टाइम पे गुप्ता पीरियड खत्म हो गया तो उसके बाद जो पोस्ट गुप्ता एज थी जो नदन पोर्शन था उसके अंदर वर्धन डायनेस्टी थी जिसमें हर्ष हर्षवर्धन जो राजा थे और प्रभाकर वर्धन जो उसके पिता थे साउथ में जो थे पल्लवाज एंड चालो क्यास थे तो पल्लवास का टाइम पीरियड कौन सा है पल्लवाज का टाइम पीरियड है 575 से 897 एडी तक जो लेटर ऑन काफी देर तक चले और चालुक्यास का टाइम पीरियड भी वही है फाइव फोर्टी से 755, 550 तक जो रूल चल रहा था वो गुप्ता पीरियड का रूल चल रहा था तो आप देखिए गुप्ता पीरियड के बाद नॉर्थ में आते हैं वर्धान डायनेस्टी और साउथ में आते हैं पल्लवाज एंड चालुक्यास तो ये जो चीज है ये आपको समझनी पड़ेगी पहले आप मैप पे देख लीजिए चालुक्यास का लोकेशन ये है और पल्लवाज का लोकेशन उसके नीचे है थोड़ा साउथ और सबसे डाउन साउथ में कौन है चेरास चोलाज एंड पांड्याज तो यहाँ पे कौन है चालुक्यास जस्ट बिलो द नर्मदा जो है चालुक्यास है और उसके नीचे जो है पल्लवाज तो इनके बारे में अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ये कंटेम्प्री है उसी टाइम पे पोस्ट गुप्ता पीरियड की बात हो रही है तो ये जो थे ये पल्लवाज और चालुक्यास दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी है साउथ इंडिया की दे फ्रीक्वेंटली रेडेड वन अनदर्स लैंड अब ये जो दोनों थे ना पल्लवाज और चालुक्यास दोनों की भी आपस में नहीं बनती थी दे ये दोनों जो है एक दूसरे को रेड करते रहते थे तो so, ये हमारे को मिलता है स्पेशली अटैकिंग ईच अदर्स प्रॉस्पेरस कैपिटल सिटीज जो इनकी बड़ी बड़ी कैपिटल सिटीज होती थी उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते थे उसको रेड करने की कोशिश करते थे कि वहां जो कुछ है उसको हम रेड कर ले। आप देखिए दोनों की लोकेशन देखिए मतलब भारत पाकिस्तान वाली इनकी हालत है पल्लवाज जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं जो साउथ में है पहले हम इसकी बात कर रहे हैं पल्लवाज की देखिए पल्लवाज कहाँ की लोकेशन देखिए ये देखिए पल्लवाज की लोकेशन है ये वाली और ये चालू क्या तो हम पहले बात कर रहे हैं पल्लवाज की तो पल्लवास जो करे है किंगडम वॉज स्प्रेड फ्रॉम द रीजन अराउंड कांचीपुरम जो कांचीपुरम है तमिलनाडु में उसकी कावेरी डेल्टा में जो कांचीपुरम जगह है ये देखिए ये देखिए कांचीपुरम ये देखिए कावेरी रिवर का डेल्टा है ये पूरा तो ये कांची रिवन ये जगह है तो यहां से इनकी जो है ये इंपॉर्टेंट इनकी सिटी थी तो ये जो इनकी कैपिटल थी उसके आसपास ही अपना रूल करते थे तो कांचीपुरम थी किसकी कैपिटल पल्लवाज की कावेरी डेल्टा में इंपॉर्टेंट रूलर्स अगर हम बात करते हैं पल्लवास की तो सिम्हा वर्मन जिसको सिम्हा विष्णु भी बोला जाता है वो फाउंडर है किसके पल्लवास के फर्स्ट पल्लवा मोनार्क हु एक्सटेंडेड इज अथॉरिटी बियॉन्ड कांचीपुरम ये जो थे सिम्हा वर्मन जो है इन्होंने बियॉन्ड कांचीपुरम एक्सटेंड कर दिया था फिर आते हैं महेंद्र वर्मन वन इनके बेटे तमिल लिटरेचर इस टाइम पे बहुत ज्यादा फ्लरिश किया था इनका टाइम पीरियड देखिए सारे के सारे जो है फाइव जब गुप्ता पीरियड खत्म हो गया उससे लेके कब तक का टाइम पीरियड की बात होती है देखिए सेवन फिफ्टी तक 550 से 750 फिफ्टी मतलब 200 साल तक इन्होंने रूल किया है फाइव 570 से 897 नाइन्टी एडी इन्होंने 300 सौ साढ़े तीन साल तक रूल किया है तो चालू के आजान पल्लवाज तो पल्लवाज जो है 300 सौ साढ़े तीन साल तक रहे हैं तो ये उनकी बात हो रही है उनकी कैपिटल कौन थी कांचीपुरम तो उनका फर्स्ट रूलर था सिन्हा वर्मन और उस जिसने की कांचीपुरम के बियॉन्ड एक्सटेंड किया था इसको और उसका बेटा था महेंद्र वर्मन ही इंट्रोड्यूस रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर अभी जो है इस वरी ये जो थे एंड पांडवास इनके टाइम में टेम्पल आर्किटेक्ट बहुत अच्छे से डेवलप हुआ हम उसी के बारे में मेन फोकस हमारा ये रहेगा मेन फोकस हमारे इनके मेन राजा नहीं रहेंगे इनका हमारा मेन फोकस इनकी जब हम पढ़ेंगे तो इनका आर्ट एंड कल्चर पोर्शन रहेगा राइट right? देखिए जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है ना अगर आपको अगर आप हिस्ट्री की एनसीआर पढ़ रहे हैं तो मैं आपको यही बता रही हूँ मतलब बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते रहते हैं कि आर्ट एंड कल्चर के लिए क्या पढ़ना है सो एंड सो बुक पढ़नी है सो एंड सो बुक पढ़नी तो एक चीज आप समझ लीजिए जो भी कोई किताबें हैं उन सब ने इन्हीं एनसीआर के अंदर से कंपाइल कर दिया है तो अगर आप एनसीआर को पढ़ते हैं तो आपका स्टैटिक पोर्शन कवर हो जाएगा और जो आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन है वो आप जो है अलग अलग गवर्नमेंट की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं तो आपको अलग से कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है आर्ट एंड कल्चर के लिए भी ना ही हिस्ट्री के लिए आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत है ना आर्ट एंड कल्चर के लिए कोई किताब खरीदने की जरूरत है ना ही आपको ज्योग्राफी के लिए कोई किताब खरीदने की जरूरत है ट्रस्ट में उसके बाद आता है इनका बेटा सन ऑफ महेंद्र वर्मन तो महेंद्र वर्मन कौन है ही वन ऑफ ग्रेट ग्रेटेस्ट पल्लव रूल पल्लव रूलर है ये ही वॉज ऑल्सो नोन एज ममलन तो इसको ममलन भी बोला जाता था तो देखिए ये क्लास सिक्स एनसीआरटी बस हम इसमें इतना ही पढ़ेंगे लेटर ऑन जो है इसकी जो डिटेल है हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे जो हुए है जो हुए किसके टाइम पे विजिट कर रहे हैं हुए सैंग जो थे हर्षवर्धन के टाइम पे विजिट कर रहे थे विजिटेड द पल्लवा किंगडम ड्यूरिंग हिज रेन तो उस टाइम पे जब वो विजिट किया था हुए सैंग ने तब जिस टाइम पे हर्षवर्धन का रूल है लेटर ऑन ये कंटेम्प्रीज है ना जहाँ पे हर्षवर्धन रूल कर रहे हैं उस टाइम पे यहाँ पे पल्लवा का रूल भी चल रहा है तो येड एंड किल पुल खेस इन टू चालुक्या किंग को इसने जो है मार दिया था अपराजिता वर्मा देखिए चालुक्या किंग जो है पुल केसिन इसने किसको रोक दिया था इसने जो रोक दिया था हर्षवर्धन को आने से लेकिन इसको किसने मार दिया था नरसिम्हम टू ने जो है इसको इसकी लड़ाई में पल्लवाज और चालुक्याज की लड़ाई भी हुई पल्लवाज और वर्धनाज की भी लड़ाई होती थी तो पल जो चालुक्या किंग है सॉरी uh, पल्लवाज नहीं चालुक्या और वर्धना की भी तो चालुक्या और वर्धना में तो चालुक्याज ने रोक दिया था लेकिन पुल केसिन टू जो है उसने इसके साथ लड़ाई में मतलब पल्लवा और चालुक्याज में ही गॉड डिफीटेड चालुक्यास की अगर हम बात करते हैं तो चालुक्यास जो थे सेंटर्ड अराउंड रायचूर दो एंड बिटवीन कृष्णा एंड तुंगभद्रा जो रिवर है उसके बीच में ये इनका रूल था ये देखिए मैप में ये देखिए ये गोदावरी और ये कौन सी है कृष्णा इसके ट्रिब्यूटरीज के बीच में इनका यहाँ पे रूल था तो ये जो है कौन से किंग है ये चालुक्यास तो आई होल जो था इसका वन कैपिटल सिटीज ऑफ चालुक्या है इट वॉज द इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर है और एक रिलीजियस सेंटर है इट हैज़ नंबर ऑफ टेम्पल आई होल के टेम्पल जो है बहुत फेमस टेम्पल है जब हम मैं बात करूंगी आपसे ये देखिए आई होल कहाँ पर है ये देखिए ये रहा यहाँ पे बादामी है यहाँ पे आई होल है ये पडट पडट पटडकल है यहाँ पे रायचूर है तो ये वाला जो था चालुक्यास का एरिया था कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज हैं आई होल बादामी पटड़कल रायचूर ये सारे एरिया जो था और इनका कौन सा एरिया था कांचीपुरम पल्लवाज का कांचीपुरम था चालुक्यास का आई होल इनका कैपिटल था तो ये आपको पता होना चाहिए तो अब हम बात क्या कर रहे हैं जो चालुक्यास है इनका आई होल कैपिटल है और इनका जो इंपॉर्टेंट सेंटर है रिलीजियस सेंटर भी है रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर इंपॉर्टेंट अगर रूलर्स की बात करें तो पुलकेसिन वन है कीर्ति वर्मन है मंगल, मंगल मंगलेशा है फिर पुलकेसिन टू है तो पुलकेसिन वन जो है इन्होंने चालुक्या रूलर है ये तो इन्होंने तो जो कैपिटल वा, एट वाटापी इन्होंने फाउंड किया था चालुक्य डायनेस्टी देखिए जो इनके फाउंडर्स होते हैं ना किसी भी डायनेस्टी की जब हम बात करेंगे तो दो तीन चीजें आप जरूर पढ़ लेना उसकी एक उसका फाउंडर कौन है और एक उसका कोई अगर बहुत बड़ा राजा रहा होगा तो जैसे गुप्ता के, के केस में क्या है श्री गुप्ता उसके फाउंडर थे फिर उनके तीन इंपॉर्टेंट राजा थे चंद्रगुप्ता वन फिर उसके बेटे समुद्रगुप्त और उसके बेटे विक्रमादित्य ये तीन इंपॉर्टेंट राजा थे इसी तरीके से चालुक्य वर्धना डायनेस्टी के अंदर क्या था हर्षवर्धन थे उसी तरीके से अगर हम पल्लव डायनेस्टी की बात करें तो पल्लव किंग कौन से है सिम्हा वर्मन जिन्होंने महेंद्र वर्मन ये इनके नाम है चालुक्याज के क्या नाम है पुल केसिन पुल केसन वन फिर कीर्ति वर्मन फिर मंगला लेशा एंड देन पुल केसिन टू तो पुल केसिन जो टू है ही वॉज बेस्ट बेस्ट नोन चालुक्या रूलर तो ये बेस्ट रूलर है जिसने चालुक्याज के साथ जब पल्लवाज की लड़ाई हुई थी तो लेकिन पल्लवाज के टाइम पे इसको डिफीट मिल गया था डिटेल्स अबाउट पुलिस तो रवि की कोर्ट पोएट थे इसके बारे में हमने हर्षवर्धन के टाइम पे पढ़ा था वे ही चेक द एडवांसिस ऑफ हर्षवर्धना हिज एक्सपीडिशन अलॉन्ग बोथ नॉर्थ एंड वेस्ट ईस्ट कोस्ट पुल केसिन टू के टाइम पे हर्षवर्धन ने आने की कोशिश की थी जिसको इसने रोक दिया था लेकिन पुल जो टू थे ये पल्लवा जो किंग था पल्लवा किंग जो सेकंड किंग था ये वाला नरसिम्हा वर्मन इसने इसको मार दिया था इससे ये हार गया ओके okay. फिर आते हैं विक्रमादित्य पुल के टू का सन आता है फिर कीर्तिवर्मन वर्मन टू आते हैं ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ विक्रमादित्य देखिए विक्रमादित्य अब आपको कंफ्यूजन होगा विक्रमादित्य जो है इसके बारे में हमने किसको भी पढ़ा था समुद्रगुप्त के बेटे भी विक्रमादित्य हैं और चालुक्यन किंग का नाम भी विक्रमादित्य है बट मोस्ट फेमस कौन सा है गुप्ता पीरियड वाला चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त का बेटा विक्रमादित्य दैट इज मोर इंपॉर्टेंट दैट इज मोर फेमस ये जो है विक्रमादित्य वन ही इज द सन ऑफ पुल बट सिंस इनके दोनों के नाम सेम है तो हो सकता है देखिए अब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना अब हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं उस टाइम पे विक्रमादित्य जो है नाम फेमस रहा होगा तो इसलिए विक्रमादित्य उसका भी नाम था वर्धन डायने गुप्ता डायनेस्टी में भी और विक्रमादित्य जो है फिर से किस में नाम आ गया चालुक्यास के किंग का का नाम भी विक्रमादित्य है राइट अल्टीमेटली बोथ पल्लवाज एंड चालुक्यास गेव वे टू न्यू रूलर्स बिलोंगिंग टू राष्ट्रकूटाज एंड चोला डायनेस्टी अब हम ये जो बात कर रहे थे कि इन दोनों का टाइम पीरियड देख लीजिए कब से कब तक ये रहे हैं मान लेते हैं हम इसको जिस टाइम पे गुप्ता का पीरियड खत्म हो गया था 550 में अगर मैं गुप्ता पीरियड एंड बताती हूँ तो 550 के बाद जो है वर्धन डायनेस्टी आई 100 साल के लिए ऊपर और यहां पे क्या आया चालुक्याज आए 200 साल के लिए और पल्लवाज आए 300 साल के लिए 300 सौ साढ़े तीन साल के लिए ये दोनों जो है इसके बाद जब ये इनका रूल डिक्लाइन हो जाता है तब कौन आते हैं तब इनका रूल डिक्लाइन होने के बाद आते हैं ये देखिए राष्ट्रकूटास एंड चोलास राष्ट्रकूटास को भी हम किसके लिए पढ़ते हैं टेम्पल आर्किटेक्ट्स के लिए चोलाज को क्यों पढ़ेंगे टेम्पल आर्किटेक्ट के लिए तो ये जो सारी जो लेटर ऑन किंगडम्स थी ना गुप्ता पीरियड के बाद वाली और गुप्ता में भी इन सब को हम आर्ट एंड कल्चर में ज्यादा पढ़ेंगे कौन कौन से टेम्पल्स बनाए कौन कौन से इन्होंने प्लेज लिखे संस्कृत में क्योंकि इन सब के पास पॉइट थे बाण बान हर्ष हर्षा हर के पास कालिदास किसके पास था कालीदास किसका पॉइट है बताइए हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना ये देखिए कालिदास है चंद्रगुप्त टू के टाइम जिसको हम विक्रमादित्य बोल रहे हैं तो ये हरी सेना हरी सेना किसका था समुद्रगुप्त का फिर उसके बेटे विक्रमादित्य है विक्रमादित्य का किस कौन था पोएट उनका पोएट था कालिदास और फिर बाण भट्ट किसका पोएट था हर्षवर्धन का एंड सिमिलरली सबके पास पोएट हुआ करते थे रवि कीर्ति किसका पोएट है पुल केसिन टू का पुल केसिन कौन है पुल केसिन जो है चालो क्या स्किंग है राइट तो ये सारी चीजें हैं देखिए अभी आप मेरी बात सुन रहे हैं अभी आपको इतना सारा चैप्टर याद हो गया समझ आ गया होगा सिमिलरली अगर आप दो तीन बार और इसको रिवाइज कर लेंगे अगर आप स्लाइड्स को भी रिवाइज कर लेते हैं तो ये आपको पूरा आपके ब्रेन में स्टिक करेगा जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको बताती रहूंगी हम अब बात कर लेते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था सदर्न किंगडम्स में उस वक्त जो इंस्क्रिप्शन हैं पल्लवाज की ऑफ अ नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज इन सदर्न किंगडम्स बहुत सारी लोकल असेंबलीज की बात होती है दीज असेंबलीज वर कंट्रोल्ड बाय रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर्स एंड मर्चेंट्स मैनी ऑफ दीज लोकल असेंबली कंटिन्यू टू फंक्शन फॉर सेंचुरीज ये जो जितने भी साउथ में किंगडम चल रही हैं ये बेसिकली किसके बेसिस पे रूल कर रही थी लोकल असेंबलीज के बेसिस पे तो लोकल थी रिच और पावरफुल लोगों की उसको हेड करते थे एनसीआरटी में दिया गया सभा के बारे में सभा क्या होती है एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर्स जो ब्राह्मण थे उन जो लैंड ओनर्स थे उन, उनकी जो जो थी सभा बना दी थी उन्होंने सभा और समिति के बारे में हमने पहले भी आप याद करिए एक चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था सभा जो थी जिसके अंदर आते थे सारे एल्डरली लोग और इन्फ्लुंशियल लोग यहाँ पे भी सभा में कौन आ रहा है ब्राह्मण लैंड ओनर्स आ रहे हैं और समिति जो थी जिसके अंदर सारी पॉपुलेशन आती थी आप याद करिए इट फंक्शंस थ्रू सब कमेटीज विच लुकड डाफ्टर इरीगेशन एग्रीकल्चर ऑपरेशन मेकिंग रोड्स लोकल टेम्पल्स ये सारी चीजों का ये ध्यान रखती थी तो सभा वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उर एक चीज है उर क्या था उर जो उर्ज अ ज असेंबली फाउंड पे सभा नहीं होती थी, थी पे उर, होते थे। उर भी एक तरीके की विलेज असेंबली है नगरम क्या होता था नगर से रिलेटेड है जो भी मर्चेंट्स थे वो एक मिला के नगरम बना लेते थे अपनी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन ओके okay, ये वाला नगर जो है सिटी से एसोसिएटेड नहीं है नगर से एसोसिएटेड नहीं है सॉरी ये जो है मर्चेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है ओके okay? अब ये बात कर रहे हैं हाउ वर द गुप्ताज एंड पोस्ट गुप्ता किंगडम एडमिनिस्टर्ड मतलब उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या था हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं तो जो जो ये गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता सब में क्या था विलेज जो था उनका बेसिक यूनिट था एडमिनिस्ट्रेशन का लैंड रेवेन्यू जो था वो इनका एक इंपॉर्टेंट सोर्स था लैंड से जो रेवेन्यू आता था वन सिक्स अगर आप लेते थे तो उसको भागा बोला जाता है, है ना किंग्स अडॉप्टेड अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू विन द सपोर्ट ऑफ मेन हु वर पावरफुल इकोनॉमिकली सोशली और बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग होते थे जैसे आजकल होता है कोई बड़ा बिजनेस है कोई रिलीजियस इसको बहुत बड़ा उसका से है कोई पॉलिटिकल लीडर है तो उन सबको जो राजा है उनको बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस दिया करते थे लेटर सम ऑफ दीज पावरफुल मैन ग्री स्ट्रॉन्ग एनअ टू सेट इनडिपेंडेंट किंगडम यही जो लोग थे जो पावरफुल लोग थे आप पढ़ते आ रहे हैं ना हमने गुप्ता पीरियड में क्या देखा गुप्ता किसके थे कुशाना के फ्यूरेटरीज थे सिमिलरली जब गुप्ता गए तो हर्षवर्धना जो जो वाली किंगडम है वर्धना वो भी उसी के फिड्यूटरीज थे पहले उनको लैंड संभालने के लिए दी जाती थी लेटर ऑन जब उन्होंने देखा कि भाई राजा वीक हो गया तो उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया तो ये चलता था क्या क्या, -क्या स्टेप्स उन्होंने लिए थे टू गेन द सपोर्ट ऑफ पावरफुल मैन उस टाइम के राजा की बात हो रही है सम इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट उनको दिया जाती थी खुश रखने के लिए वो हेरिडिटरी बन गई थी बाद में वन पर्सन हेल्ड मैनी ऑफिसर्स अन इम्पॉर्टेंट मैन हैज से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो इम्पोर्टेंट लोग होते थे जो रसूखदार लोग बोलेंगे जिसको समाज के तो उनकी जो है बात भी सुना करते थे राजा और उनका से होता था उनसे पूछा जाता था, था कि भाई ये वाला डिसीजन हम लेने वाले हैं आर यू हैप्पी और आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है तो ये उनसे पूछ लिया जाता था इम्पोर्टेंट अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की बात करते हैं क्या क्या टर्म है महाडंडा नायका तो महाडंडा नायका होता था चीफ ज्यूडिशियल ऑफिसर तो आप डंडे से आप इसको सोचते थे जुडिशियल फंक्शन प्ले करता है महादंडा नायक का होता था उसका नाम कुमार अमात्या कुमार अमात्या कौन होता था इम्पोर्टेंट मिनिस्टर संधि विग्राहिका मीनिंग मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस संधि करनी है उसको मतलब ट्रीटीज साइन करनी है तो वॉर और पीस के साइन पे जो ट्रीटी साइन करेंगे उसको संधि विग्राहिका बोला जाता था कुमार अमात्या कौन है इंपॉर्टेंट मिनिस्टर बोला है फिर एक था नगरा श्रेष्ठी नगरा श्रेष्ठी नगरा श्रेष्ठी चीफ बैंकर और मर्चेंट ऑफ द दिटी सरथावाहा लीडर ऑफ द मर्चेंट कारवा प्रथमा कुलिका द चीफ क्राफ्टमैन, द हेड ऑफ द कायस्थन और स्क्राइब्स चीफ क्राफ्टमैन को बोला जाता था प्रथमा कुलिका देखिए ये सब रट लेना आप ये एनसीआरटी की एनसीआर के ये सारे टर्म्स हैं इसको रट लेना जरूर से महाडंडा नाय कौन है जुडिशियल ऑफिसर है कुमार अमातिया कौन है इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है संधि विग्रह का कौन है वॉर और पीस की जो ट्रीटी साइन करेगा वो मिनिस्टर नगरा श्रेष्ठी कौन है चीफ बैंकर मतलब नगरा का मतलब क्या था देखो नगरा का मतलब यहाँ पे था ना नगरम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट है तो मर्चेंट की ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं के पास तो पैसा रहता है तो नगरा श्रेष्टी कौन होता था चीफ बैंकर होता था और मर्चेंट ऑफ द सिटी मर्चेंट की ऑर्गेनाइजेशन को नागारा बोला जा रहा है तो जो उसमें से श्रेष्ठ नागारा है मतलब जो चीफ बैंकर है उसको बोला है नागारा श्रेष्ठी सर था वहा, वहा कौन है लीडर ऑफ द मर्चेंट कारमा और प्रथमा का कौन है द चीफ क्राफ्टमैन मैन कुलिका क्राफ्ट से रिलेटेड वर्ड है प्रथमा कुलिका मतलब प्रथम मीन्स फर्स्ट प्रथमा कुलिका मतलब चीफ क्राफ्टमैन जो है ये सारी टर्म्स आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए यू कैन बी आज One of these terms and आपके हो सकते हैं मिलिट्री की अगर हम बात करते हैं ड्यूरिंग द गुप्ता वेल ऑर्गेनाइज आर्मी देखो जब तक आ, वैदिक पीरियड की बात हो रही थी तब तक क्या होता था प्रॉपर एक आर्मी नहीं रखी जाती थी लेटर वैदिक में रखना शुरू हुआ मॉरियन पीरियड में प्रॉपर आर्मी रखनी शुरू हुई तो ये लोग भी क्या कर रहे थे वेल well ऑर्गेनाइज आर्मी रख रहे थे विद एलिफेंट चेरियॉर्ट्स कैवलरी इन्फेंट्री सब रखते थे वो मतलब फुट सोल्जर भी हैं उनके पास घोड़े वाले सोल्जर्स भी हैं और उनके पास रथ भी है उनके पास एलिफेंट्स भी है सब कुछ है उनके पास दे ऑल्सो हैड अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी अंडर मिलिट्री लीडर कॉल सामंता उनके जो मिलिट्री लीडर थे उनको सामंता कहा जाता था तो सामंता तो क्या है दे प्रोवाइड द किंग विद ट्रूप दे नीड वेनेवर जो थे मिलिट्री लीडर थे उनका काम ही होता था सामंताज जो थे अपनी ट्रूप्स को तैयार रखते थे जब भी राजा को जरूरत होती थी वो बोलते थे ठीक है पांच सैनिक भेज रहे हम सो दे रिसीव ग्रांस ऑफ लैंड इंस्टेड ऑफ रेगुलर सैलरी उनको रेगुलर सैलरी नहीं मिला करती थी लैंड मिलती थी उनको दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड एंड यूज दिस टू मेनटेन सोल्जर्स मतलब राजा क्या करता था उनको दे रहा था भाई ये मेरे पांच गाँव में आपको दे रहे हैं उस पांच गाँव में से जितना भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है दैट यू यूज फॉर कीपिंग द आर्मी तो वो इस तरीके से रखते थे तो उनकी रेग्युलर सैलरी नहीं होती थी सामंताज की वो लैंड रखा करते थे तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है कि गुप्ता और पोस्ट गुप्ता के टाइम पीरियड में जो सामंताज होते थे वो कौन थे फर्स्ट स्टेटमेंट हो सकती है कि भाई दे वर द मिलिट्री लीडर्स ये सही हो जाएगा वो उनको जो है सैलरी पे करता था राजा तो वो गलत हो जाएगा सैलरी नहीं पे करता था उनको लैंड दी जाती थी hmm. उस लैंड से जो रेवेन्यू जनरेट होता था उससे वो अपने सोल्जर्स को हॉर्सेस को एलिफेंट्स को मेंटेन करते थे वेन एवर द रूल रूलर वॉज वीक सामंताज ट्राई टू बिकम इंडिपेंडेंट अब आप ये देखिए सामंता मिलिट्री लीडर है एक राजा है वो सारी की सारी मिलिट्री जितनी भी चाहिए चीजें उसको वो राजा राजा प्रोवाइड करता है है अब आप राजा अगर वीक है, तो के मन में आएगा ना ये कि वो खुद ही राजा बन जाए तो ऐसा होता रहता था था। है इन गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड तो ग्लिम्स हमको कहां से मिलता है प्ले लिखे काली, दास, काली दास किसके थे समुद्रगुप्त के पोइट थे और फाहियान किसके कोर्ट में आए थे फाहियान आए थे विक्रमादित्य के कोर्ट में बान भट्ट कौन थे बान भट्ट थे हर्ष, पोएट तो ये सब अलग अलग पोएट थे ये मैं इसलिए आपको बार बार बोल रही हूँ आपको रट लेना है आपको ये याद होना पड़ेगा तो ये सब ने कुछ ना कुछ लिखा अपनी अपनी बुक कालिदास ने क्या लिखा कालिदास ने डिपिक्टेड लाइफ इन द किंग्स कोर्ट कालिदास प्ले अ स्टोरी ऑफ लव बिटवीन दुष्यंत एंड शकुंतला तो उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा तो अभिज्ञान शाकुंतलम किस चीज़ के बारे में वो है वो लाइफ है दुष्यंत और शकुंतला की लाइफ के बारे में इंटरेस्टिंग इंट्र, इंट्र, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लाइट ऑफ द पुअर फिशरमैन इज ऑल्सो प्रेजेंटेड इन हिस्स प्ले ठीक है जब वो प्ले लिखते थे अब आप ये सोचो अगर आप जिस टाइम पीरियड में रहोगे उसी चीज़ के बारे में बात करोगे ना आप अपने बारे में सोच के देखो इस वक्त आप लोग क्या कर रहे हैं अगर आपकी कोई किताब देख ले जो आपने लिखी होगी बाय चांस या आपके कोई नोट्स देखे या डायरी राइटिंग देखे तो आप क्या करते हो आप अपने दोस्तों के साथ मिलने जाते हो ओ, सी सी डी में स्टार बक्स में जो भी पिज्जा हट कहीं पे भी आप जाते हो घूमने के लिए आप कहाँ पे जाते हो आपको क्या करना पसंद है पैराग्लाइडिंग कर रहे हो स्कूबा डाइविंग कर रहे हो ये सब कर रहे हो तो मतलब अगर आप कहीं ना कहीं पे आपके लैपटॉप को अगर कोई सर्च करे तो उसमें क्या क्या मिलेगा आपके लैपटॉप के मतलब बहुत कुछ मिल सकता है बट मैं वैसे बता रही हूँ कि अगर आपको उस टाइम के पीरियड की जिस टाइम में जो इंसान रहता है फॉर एग्जाम्पल खालिदास उस टाइम पर अपना प्ले लिख रहे हैं तो उसमें वो वही सब बातें लिखेंगे जो उस टाइम पे हो रही हैं दिस एन अगर आपके बारे में जानने की कोशिश की जाए सौ साल के बाद या पचास साल के बाद तो किसी भी एक पर्सन का अगर आप बुक या लैपटॉप या उसका लाइफ उसका रिकॉर्डिंग कैमरा की वो देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा ओके भाई जैसे कुछ लोगों को वीडियोस बनाना पसंद है तो वो वीडियोस अगर बनाते हैं तो आपको उसमें देखने को मिलेगा ओके इस तरीके का सिटी है इस तरीके का लाइफस्टाइल है ये आप कर रहे हो ये वाले तरीके का कैमरा यूज करते हो तो उससे आपको बहुत सारा आइडिया मिलता है तो उसी तरीके से अभिक्ञान शाकुंतलम जो प्ले है उसमें वहां की लाइफ के बारे में लिखा गया है सो वी गॉट टू नो दैट और फाहियान की अगर हम बात करते हैं तो फाहियान ने अपनी बुक लिखी उन बुक्स के बारे में हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे तो फाहियान ने जो बुस लिखी उसके अंदर उसने लिखा कि अनटचेबल्स जो थे उनकी कंडीशन बहुत खराब थी बान जो है हर्षा के जो पोइट थे उन्होंने लिखा किंग की आर्मी के बारे में विविड पिक्चर उसने शो की द ट्रैवल अलोंग विद हिज आर्मी ओनली इंक्रीज द मिजरी ऑफ ऑर्डनरी पीपल अलॉन्ग दे एंड लेफ्ट ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन बिहाइंड उसने बताया कि भाई जब ये किंग जा रहा है तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम ही क्रिएट हो रही है वो ज्यादा फायदा नहीं हो रहा तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं हमको किससे देखने को मिलती हैं इन लोगों ने जो जो अपनी किताबें लिखी है सो दिस वाज़ द चैप्टर टेन इस चैप्टर में हमने बात किया गुप्ता पीरियड के बारे में और पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में तो गुप्ता पीरियड कब से शुरू होता है गुप्ता पीरियड ढाई सौ एडी के आसपास शुरू होता है टू फिफ्टी एडी के आसपास तो 250 फिफ्टी ए के आसपास से लेके शुरू होके वो चलता है 550 फिफ्टी एडी तक तीन सौ साल तक उसके बाद आते हैं उसके पोस्ट गुप्ता पीरियड जिसमें हमने नॉर्थ इंडिया में बात की हर्षा की वर्धन डायनेस्टी की और साउथ इंडिया में हमने बात की पल्लव आजन चालुक्याज की तो फिर हमने अब ये भी बात किया कि उनके टाइम में कौन कौन से लोग आए थे कौन कौन से पोएट रहे हैं उनके टाइम पीरियड में तो ये जो तो दोनों तीनों सारी जो किंगडम्स हैं ये कि वाला जो पीरियड है गुप्ता को गोल्डन एज कहा जाता है तो ये सारा जो पीरियड है आर्ट और कल्चर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पीरियड था तो आर्ट एंड कल्चर के बारे में हमें इस पीरियड में से सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं आपके क्वेश्चन भी इसी तरीके से आते हैं इनके फैक्चुअल क्वेश्चन अबाउट राजा एंड दिस ये थोड़े कम पूछे जाते हैं इनके बारे में आर्ट एंड कल्चर ज़्यादा पूछा जाता है सो दिस वॉज द चैप्टर आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा एंड द वे आई एम जस्ट ट्राइंग टू टीच यू वो आपको पसंद आ रहा होगा मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि पहले वाले चैप्टर्स जितने आप पढ़ते जा रहे हैं उनके साथ आपका इंटर रिलेशन इस्टेब्लिश होता जाए साथ में आपकी रिविजन भी होती जाए क्विक ताकि आपको याद रहे सो थैंक यू सो मच पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन